हेलो हेलो बच्चा पालती है, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं आज लेके आई हूँ क्लास 10 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी नोट्स देखोगे और उसे पढ़ोगे, क्योंकि मैंने ये नोट्स डिटेल में बनाए हैं। क्योंकि फिजिक्स डिफ़िकल्ट होती है पढ़ने में, इसलिए मैंने डिटेल में बनाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसलिए मैंने आज आपके लिए चैप्टर लाई हूँ। और ये साइंस की बुक का चैप्टर 2 है, पर नहीं, साइंस की बुक का चैप्टर 9 है पर फिजिक्स का चैप्टर 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो 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 सुनो, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट। आपको पता है फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को हिला सके। जैसे अगर मैंने बॉटल को पुश किया है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा खिसक के उधर हो जाए, तो मेरा थोड़ा सा फोर्स लगा है। और यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी भी चीज़, जैसे पेज को है, पेज सही है तो हमने पेज फाड़ा, फिर हमने मोड़ के ऐसे गुच्छे मुच्छर कर देते हैं ना, उसकी शेप चेंज हो गई। मूव और स्टॉप ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब हम क्या कहते हैं, हम बॉल को मूव करवाने के लिए हम किक मार सकते हैं, और बॉल को स्टॉप करवाने के लिए हम पैर से भी स्टॉप करा सकते हैं और हाथ से भी। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल उस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, हम आगे से आए ईस्ट से आए और हमने किक मार दी वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे ये चेंज होगी उसकी डायरेक्शन। आप ये डिटेल में सब पॉइंट पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने डिटेल में बनाया है। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है कमेंट में बताओ। न्यूटन, जिसे हम सिंबल करते हैं एन से, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, जैसे बॉल का भी एग्जांपल लिया, और किसी को मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। और फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, सब फोर्स चेंज भी कर सकता है। जैसे अब हमने बॉल मारी थी तो वो थोड़ी देर आगे जाके तो हल्की होने लग गई है, तो हम बड़ी ज़ोर से फिर से मारते हैं फिर वो तेज हो जाती है ना, वैसे उसकी स्पीड भी चेंज हो गई है। और पांचवा है कि फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइड ऑफ आ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पेपर को लिया, अब वो पेपर अभी प्लेन है, हम उसे गुच्छर मुच्छर कर देते हैं तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। पहली साइज उसकी बहुत सरफेस एरिया वो बहुत कवर कर रहा था, अब उस वो सरफेस एरिया भी बहुत कम कवर कर रहा है और उसकी साइज़ भी छोटी हो गई है पहले से। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना और समझ भी ले लेना। ये कहता है कि फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं जैसे एक डायरेक्शन से, जैसे ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन हैं, एक डायरेक्शन ईस्ट से फोर्स लग रहा है और वेस्ट से भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, बीच में बेचारा ऑब्जेक्ट वो फंस रहा है, उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, एक हाथ कोई और खींचता है, एक हाथ कोई और खींचता है, तो वो बीच वाला ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है, हिलता रहता है ना, ऐसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। और जो फोर्स होता है दोनों में एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे फोर्स पहला व्यक्ति जो खींचता है हाथ को, और दूसरा व्यक्ति जो खींचता है हाथ को,
उन दोनों का फोर्स एक जैसे ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, हर जगह में मैंने दूसरे एग्जांपल लिखे हैं, आप सब पढ़ लेना। और जो बैलेंस फोर्स है ना, वो डज नॉट चेंज एनी स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम इधर से धक्का मारेंगे तो हम उधर से भी तो धक्का मार रहे होंगे, तो इसलिए ये चेंज नहीं कर पाता है स्टेट को। अनबैलेंस फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स होता है तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने बॉल कर लिया था, अगर हम बॉल को एक तरफ से किक करेंगे तो वो आगे की ओर चली जाएगी, और ये होते हैं हमारे अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और उसके पॉइंट भी कर लिखे हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो स्पीड भी चेंज कर, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और इंक्रीजिंग दी स्पीड्स और डिक्रीजिंग दी स्पीड, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चेंज अ शेप एंड साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ मोशन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिस लॉस ऑफ मोशंस, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन एक इंसान था, उन्होंने ये लॉ बनाया है। वो कहता था कि फर्स्ट लॉ में उसने ये कहा है कि अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी उसे हिलाए ना। ये पहला था। दूसरा ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, अभी हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। जो भी रेट ऑफ चेंज, इसमें इतना समझ लो कि जो दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी फोर्स है। मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो वो कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और अगर फोर्स कम होगा तो वो ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ में वो कहता है कि जो ये सबसे अच्छा लॉ है, इसमें वो कहता है कि एवरी बॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मतलब अगर हमने इसका एग्जांपल मैंने यहाँ से समझाती हूँ, ये मैंने फर्स्ट का डेफिनेशन लिखी है फिर उसे एक्सप्लेन किया है, और ये मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल लिखे हैं फर्स्ट और लॉ ऑफ मोशन के, और मैंने फिर उसके लिखे हैं और सेकंड और थर्ड के नहीं लिखे हैं, डेली लाइफ एग्जांपल फर्स्ट के लिखे हैं। आप मैं आपको कैसे समझाऊं कि हाँ, अगर हम क्या कहते हैं, हम अभी जैसे बॉल है उसे हमने दरवार पर किक करवाई है, जैसे हम खेलते हैं ना दरवार पर फेंकते हैं वो बैक आती है, तो दरबार ने भी उतने फोर्स लगाया जितना हमने लगाया था बॉल को फेंकने में, तो दरबार ने भी वो बॉल को दूसरी तरफ हमारी तरफ फेंकने के लिए उतना ही फोर्स लगाया है, तो ऐसे वो अपोजिट रिएक्शन हो गया। ये सब आप खुद पढ़ना, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। और मास एंड इनर्शिया, आपको पता है जो इनर्शिया है वो इज मेजर बाय इट्स मास, मास से ही मेजर करती हैं। इनर्शिया और मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनर्शिया अगर मास इंक्रीज होगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। ये देखो, अब मैं मोमेंटम की बात कर रही थी ना,
तो ये है मोमेंटम। मोमेंटम इज़ द प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये मोमेंटम एक सिंपल भाषा में कहें तो ये पावर होती है मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसकी पावर को मोमेंटम कहते हैं। इसे एक और इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड दी मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम है वो पी से डिनोट होता है, पी से। देखो पी पी मतलब मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एम मतलब मास और वी मतलब वेलोसिटी। ये उसका मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है। ये मैंने सेकंड लॉ लिखा है क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया है कि सेकंड लॉ बाद में क्यों लिखा है, फर्स्ट लॉ के बाद क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ना यहाँ पे सीधा दिया था कि देखो यहाँ पे दिया नहीं है कि रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम है, तो मैंने मोमेंटम पहले समझा दिया फिर बाद में मैंने सेकंड लॉ लिख दिया है। ये डेरिवेशन है कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं। ये रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, ये आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं इसमें वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। ये थर्ड लॉ है, उसके एग्जांपल हैं। और ये लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The sum of momenta of two body remain same even after collision. जो सम होते हैं, मोमेंटम आपको निकालना आ गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो दो बॉडी की मोमेंटम अगर सेम है जो जब वो कॉलिजन मतलब आफ्टर दी कॉलिजन, कॉलिजन के बाद मतलब मिलने के बाद अगर वो सेम है मोमेंटम दोनों के, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, और ये मैंने थोड़ी सी डेरिवेशन लिखी है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कौन सा होता है। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ये वाला फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा नहीं है वो होता है। ये आप पढ़ोगे ना तो इतना लिखने का ही ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पढ़ने के लिए मैंने इतना लिखा है। आप जब पढ़ लोगे, जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप अपनी तरफ से छोटा भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं कह रही हूँ ये पूरा लिखना, यहाँ तक कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मोमेंटम का। जैसे बुलेट होती है, बंदूक हिंदी में कहते हैं वो, और उस गन मतलब बुलेट मतलब गोली और गन मतलब बंदूक है। इन दोनों का मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू दी मोमेंटम ऑफ गन। कैसे, अब मैं बताती हूँ कैसे। दी बुलेट इज़ हैज़ वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू दी गन। जो मैंने क्या बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले हमें मास को देखते हैं फिर वेलोसिटी देखते हैं। पहले में जो बुलेट के मास है वो छोटा है गन के मास से, क्योंकि गन तो बड़ी होती है तो उसका मास भी तो बड़ा है बुलेट से। और वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, एक तरह से स्पीड होती है। तो बुलेट कितनी तेज जाती है, गोली कितनी तेज जाती है, किसी को मारने के लिए जाती है जब, कितनी तेज जाती है ना। और जो गन होती है वो अगर हम मारते हैं तो थोड़ा सा पीछे को होती है ना, तो वो हल्की जाती है, इसलिए तो थोड़ी थोड़ी सी डायरेक्शन करके वो रुक जाती है, संभल जाती है, हैं तो इसलिए।
वेलोसिटी ऑफ बुलेट की ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत दूर चली गई है और बड़ी जल्दी चली जाती है, किसी को इंसान को पता ही नहीं चलता। और गन की वेलोसिटी कम है क्योंकि उसने कम डायरेक्शन की है। तो मास है वो छोटा है पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, गन का जो भी बंदूक का मास ज़्यादा है पर उसकी वेलोसिटी कम है, तो एक एक का ज़्यादा है और एक में कम है, तो दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो उसके मोमेंटम भी देखना इक्वल इक्वल निकलेंगे। फिर इससे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकलता है। जब दो बॉडी के मोमेंटम इक्वल होते हैं, उनको प्लस करके जो सम आता है वो इक्वल होता है, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, आपके डाउट जो हैं वो मैं पिकअप करूँगी और अगले वीडियो में उसके साथ मिलूँगी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने ये बहुत मुश्किल से नोट्स बनाया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी या फिर कोई कुछ भी नज़र आता है कि मैंने क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाया, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, पर इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।